हेलो गाइज, वेलकम टू द यूनिवर्सल मिस्ट्री टैरो। तो आज मैं एक कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ और टॉपिक ये है कि जब उन्होंने आपको फर्स्ट टाइम देखा था, यानी पहली बार जब उन्होंने आपको देखा तो क्या सोचा था। तो ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। ज़रूरी नहीं है कि सभी से रेजोनेट कर जाए, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम कर ही जाती है। तो ओपन माइंड सेट से इस रीडिंग को देखेंगे और जितना रेजोनेट करता है उतना ही आपका है, बाकी किसी और के लिए वो मैसेजेस हो सकते हैं। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। अगर आप एडल्ट हैं, प्यार में हैं, तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं कि जब उन्होंने आपके पर्सन ने जब आपको पहली बार देखा तो किस टाइप के थॉट्स उनके माइंड में आए। और मैं एक और बात कहना चाहती हूँ, मेरे कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं, सारे टैरो रीडर झूठ बोलते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, लेकिन कमेंट्स में लिखते हैं कि सारे टैरो रीडर झूठ बोलते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप इस रीडिंग में अपना टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि इसके लिए इनर वर्क करने की बहुत ज़रूरत होती है। अगर आप इनर वर्क किए हैं तभी ये चीज़ें आपसे रेजोनेट होगी। इनर वर्क, किसी भी चीज़ को पाने के लिए आपको इनर वर्क करने की ज़रूरत होती है। कि जो जिनकी एनर्जी प्योर होती है वो अपने लाइफ में बहुत जल्दी मैनिफेस्ट कर लेते हैं, और जिनकी एनर्जी थोड़ी भी डिस्टर्ब होती है, डिस्ट्रैक्ट होती है, तो उन्हें मैनिफेस्टेशन में टाइम लगता है। तो इनर वर्क पे ध्यान दें, अपने थॉट, फीलिंग्स एंड इंटेंशन पे ज़रूर ध्यान रखें, तभी ये चीज़ें आपसे रेजोनेट करेगी। तो चलिए देखते हैं कि जब आपको उन्होंने पहली बार देखा तो क्या सोचा था। नाइन ऑफ कप्स, फोर ऑफ सोर्स, टेन ऑफ पेंटिकल एंड किंग ऑफ वैंड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन, किंग ऑफ कप्स। तो आप या आपके पार्टनर कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, एरिज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन हो सकते हैं एंड जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस भी हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा निकल के आया है जो साइन, वो कैंसेरियन एनर्जी है। तो जब उन्होंने आपको फर्स्ट टाइम देखा था तो उन्हें ऐसा लगा कि आप ही हो उनके लाइफ की विश फुलफिलमेंट, क्योंकि आप उनके काउंटर पार्ट हो। इन्हें ये फीलिंग्स आ चुकी थी कि आप उनके लाइफ पार्टनर हो, आप उनके काउंटर पार्ट हो, आप उनके विश फुलफिलमेंट हो। जैसा पार्टनर वो चाहते थे अपने लाइफ में, जैसा विश कर रहे थे कि ऐसा पार्टनर मेरे लाइफ में आए जो बहुत पैशनेट हो, जो बहुत मल्टीपल टैलेंटेड हो, जो बहुत कॉन्फिडेंस हो अपने लाइफ में और बहुत ज़्यादा सेक्सी एंड ब्यूटीफुल हो। तो सेक्सी एंड ब्यूटीफुल हो और साथ में एनर्जेटिक हो, पैशनेट हो एंड गुड लुकिंग पर्सनालिटी हो, लीडरशिप क्वालिटी हो उसमें। तो जब उन्होंने आपको पहली बार देखा तो उन्होंने पहले ही मान लिया कि यही मेरी द वन है, या यही मेरा द वन है जिससे मैं मैरिज करना चाहता हूँ या जिसे मैं अपना पार्टनर बनाना चाहता हूँ। मतलब जैसा उन्होंने ड्रीम कम ट्रू, आप वैसे पार्टनर निकल के आए। मतलब उन्होंने सपनों में जैसा सोचा था आप बिल्कुल वैसे ही थे। तो फर्स्ट साइट में ही प्यार, जिसे कह सकते हैं प्यार हो जाना, तो फर्स्ट साइट में ही उन्हें आपके लिए जो फीलिंग्स है वो ओवरफ्लो होने लगी आपसे। वो प्यार हो सकते हैं कि ये पार्टनर आपके फ्रेंड जोन के हो, तो वो आपके साथ एक रोमांटिक साइकिल शुरू करना चाहते थे। क्योंकि जब उन्होंने आपको देखा तो आपकी पर्सनालिटी, आपकी क्वालिटी, आपके कॉन्फिडेंस को लेके ये आपके सबसे बड़े एडमायर बन गए। इनकी फर्स्ट साइट देखने के बाद ही ये आपके सबसे बड़े एडमायर बने, क्योंकि आप अपने लाइफ में बहुत स्टेबल हैं और कहीं ना कहीं एक लग्जरियस लाइफ को ज़रूर जीते हैं। आप टेन ऑफ पेंटिकल्स, अगर आप ऐसा नहीं है फिर भी आप अपने लाइफ में इमोशनली स्टेबल हैं,
और फाइनेंशियली स्टेबल हैं, आपको किसी भी टाइप की कमी नहीं है, आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, आपका विल पावर देख के ये बहुत एडमायर करते हैं आपको, क्योंकि आप हायर एजुकेटेड भी हो सकते हैं, बहुत इंट्यूटिव हो सकते हैं एंड आपकी गट्स फीलिंग बहुत स्ट्रांग हो सकती है। लाइफ को इंजॉय करना, छोटी छोटी चीज़ों को जीना, ये आप की देख कर उन्हें बहुत उनकी एनर्जी को इंस्पायर करती है, मोटिवेट करती है। आप में बहुत ज़्यादा विल पावर है, इसे देखकर भी उन्होंने सोचा कि आप हो सकते हैं कि आप मिलिट्री में हो या फिर डिसिप्लिन लाइफ को आप ज़्यादा फॉलो करते हो, बहुत सारे चैलेंजेस को आप डेली जो है डील करते हो, तो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को देख के, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ वैंस है, किंग ऑफ वैंस है एंड द चैरियट है, यानी आपने जैसा ही आपने अपने पर्सन को समझा, मतलब आपके पर्सन ने अपने जैसा ही आपको समझा कि आप बिल्कुल उनके जैसे ही हो, एक डिवाइन काउंटर पार्ट हो, चैलेंजेस कितने भी हो लेकिन आप में इतनी गट्स फीलिंग होती है, आप में इतनी विल पावर है कि उन चैलेंजेस में से आपको रास्ता निकालने आता है। यानी आपको जब उन्होंने पहली बार देखा तो उन्होंने यही सोचा कि इस रिश्ते में कितने भी चैलेंजेस हो, मुझे इस लड़की से या फिर इस लड़के से मुझे शादी करनी ही करनी है, क्योंकि आपके लिए उनका प्यार ओवरफ्लो होने लगा। जब उन्होंने आपको पहली बार देखा तो वो अगर बहुत ज़्यादा बोलते होंगे या फिर बहुत एक्स्ट्रोवर्ट होंगे, लेकिन आपको देखकर वो इंट्रोवर्ट हो गए। उन्हें समझ में नहीं आया कि क्या इतनी खूबसूरती कभी इस धरती पर भी किसी पर्सन के रूप में हो सकती है, इतनी नेचुरल ब्यूटी, चाहे वह आप मेल हैं या फीमेल हैं, आपकी नेचुरल ब्यूटी को देख के आपकी एनर्जी से बहुत इंस्पायर हुए हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक, पैशनेट और अपने गोल ओरिएंटेड हैं। लाइफ में बहुत सक्सेसफुल लाइफ आपकी है और उस सक्सेसफुल लाइफ को देखकर ये बहुत ज़्यादा मोटिवेट खुद को होते हैं। तो जब उन्होंने पहली बार देखा, आपकी सेंसुअलिटी से, आपकी फ़िज़िकल फीचर से भी, आपकी ब्यूटी से भी, आप बहुत हैंडसम होंगे या फिर बहुत गॉर्जस होंगे, आपकी पर्सनालिटी बहुत स्लिम ट्रिम होगी या फिर आप अगर मेल हैं तो बहुत आपका मतलब गुड लुकिंग आप होंगे, बहुत आपकी चार्मिंग पर्सनालिटी होगी, जिससे जब इन्होंने पहली बार देखा आपको तो ये आपकी तरफ जो है इनके इमोशन आपके लिए जगने लगे, और ये ऐसा इमोशन था जो आपको कभी शायद ही इन्होंने बताया होगा, क्योंकि यहाँ किंग ऑफ कप्स है जो इमोशनली मैच्योर होते हैं, इमोशन तो आपके लिए भर भर के हैं लेकिन बताने में कहीं ना कहीं कंजूस होते हैं। तो इन्होंने उस समय तो आपको अपनी फीलिंग्स इन्होंने आपको बताया ही नहीं होगा, शेयर ही नहीं किया होगा कि आप उनके लाइफ में कितना इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हो, आप इनकी लाइफ की विश फुलफिलमेंट हो, इन्होंने नहीं बताया होगा, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ कप्स है जो बहुत कंजूस होते हैं अपनी फीलिंग्स को बताने के लिए। बहुत इंट्यूटिवली कनेक्शन ये फील किए जब उन्होंने आपको पहली बार देखा, तो उनके माइंड में यही थॉट्स पहले क्लिक किया कि ये इसे मैं जानता हूँ या इसे मैं जानती हूँ, ये मतलब कहीं तो मैंने देखा है या कुछ तो ऐसा रिश्ता है। आपकी आँखें बहुत मिस्टीरियस हो सकती है और आँखें ऐसी होंगी जो दिल तक का रास्ता दिखाता ज़रूर होगा। तो जब इन्होंने आपको पहली बार देखा तो इन्होंने सोचा कि आखिर ऐसा क्या पुल है, क्या ऐसा मैग्नेटिक अट्रैक्शन है जो आपकी तरफ इन्हें खींचता हुआ चला जा रहा है, चाहे इमोशनल वे में हो या फिर एक फिज़िकल अट्रैक्शन वे में, इंटिमेसी वे में हो, वो आपकी तरफ खींचे चले जा रहे थे। आपको आपके बारे में जानने के लिए ये बहुत क्यूरियोसिटी इनके मन में डेली वे में जो बोलते क्या बोलते हैं उसे जिज्ञासा होने लगी, क्यूरियोसिटी इनकी बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो होने लगी कि आप बहुत इनके लिए मिस्टीरियस दिखने लगे। यानी आप बहुत इंट्यूटिव तो हो ही लेकिन इन्हें आपके बारे में जानने के लिए उत्सुकता जो है बढ़ती चली गई, जितना वो जानते आपको उतना ही उन्हें कम नज़र आता। तो और यही वे था जब उन्हें आपसे प्यार भी हुआ, फर्स्ट साइट में ही आपके लिए इनकी फीलिंग जो है ओवरफ्लो होने लगी। अपनी फीलिंग्स को ये आपसे बहुत छिपाते होंगे और आज भी मुझे नहीं लगता है कि अपनी फीलिंग्स खुल के आपको बताते होंगे कि ये आपसे कितना प्यार करते हैं और कितना इम्पॉर्टेंट रोल आप इनके लाइफ में निभाते हैं।
क्योंकि आप इनके लाइफ की विश फुलफिलमेंट है। जैसा पार्टनर ये इन्होंने सोचा था, सपने में देखा था, बिल्कुल वैसे ही है। तो इन्हें ऐसा फील होता है कि आप दोनों का जो रिश्ता है वो पास्ट लाइफ कनेक्शन है। पास्ट लाइफ कनेक्शन है यानी सात जन्मों का जो रिश्ता, सात जन्मों का जो साथी चुना था। क्योंकि आपके ऊपर इन्हें गुस्सा भी नहीं आता है, और गुस्सा आता है तुरंत शांत भी हो जाता है। ऐसा लगता है, उन्हें फील होता है कि जाने दो, कोई बड़ी बात नहीं। मतलब आपके लिए इनके इमोशन हमेशा पॉजिटिव ही रहे हैं, और इन्हें ऐसा लगता भी है कि दूसरे के लिए इनके दिल में थोड़ी बहुत गुस्सा भी आ जाए, एंगर भी हो जाए, लेकिन आपके लिए नहीं होता है। क्योंकि आपको ऐसा ट्रू सोलमेट ये फील करते हैं कि आप इनके ट्रू सोलमेट हो सकते हैं कि आपके फ्रेंड जोन के हों, ये पार्टनर आपके फ्रेंड जोन के भी हो सकते हैं, या फिर वर्किंग प्लेस के भी हो सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी हो सकता है आपका। और आप दोनों का जो रिश्ता है वो पास्ट लाइफ कनेक्शन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यानी कि पास्ट लाइफ से ही आप इस प्यार को कैरी करते हुए इस लाइफ में भी लेके आए हैं। आपके लिए कहीं ना कहीं ये पॉजेसिव ऑब्सेसिव ज़रूर होते हैं, क्योंकि ये आपको स्टार के जैसा देखते हैं। आप इनके लाइफ के वो स्टार हो जो जिसे पाना सबके बस की बात नहीं होती, और जिसे मिल जाता है उसकी तो विश ही फुलफिलमेंट, मतलब विश ही पूरी हो जाती है। जैसा वो पार्टनर चाहते थे आप बिल्कुल वैसे ही हो, और एक स्टार के जैसा देखते हैं, जिसमें होप हो, बहुत ऑप्टिमिस्टिक हो, और जिसके लिए हमेशा पॉजिटिव एनर्जी बनी हुई रहती है। आपका लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन ज़रूर होगा, ये कहीं ना कहीं ये आपको लेके, इनकी रातों की नींद गायब रहती है। यानी कि अगर वो आपसे मिल नहीं, अगर वो जब भी आपकी, अगर आपसे मैरिड हैं तो जब तक आपकी शादी नहीं हुई होगी तब तक ये आपसे मिलने के लिए बेकरार रहते होंगे। इनकी रातों की नींद गायब रहती होगी, मतलब ये आपको कहीं ना कहीं अपने मैरिज के लिए मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। तो जिस समय उन्होंने पहली बार आपको देखा उसी समय से इनकी मैनिफेस्टेशन स्टार्ट हो गई। यानी कि आपको ही अपने लाइफ में पाना है, आपको ही अपना लाइफ पार्टनर बनाना है, आपसे ही मैरिज करना है। आपके लिए ही बहुत सपने देखे हैं इन्होंने, आपके साथ ही अपनी फैमिली बनाना चाहते हैं, आपके साथ ही ये जीवन को एंजॉय करना चाहते हैं, मोमेंट टू मोमेंट जीना चाहते हैं, सेलिब्रेट करना चाहते हैं। तो कुछ ओरेकल से मैं देखती हूँ कि जब उन्होंने पहली बार आपको देखा तो किस प्रकार के थॉट्स तो जब उन्होंने पहली बार देखा तो उसी समय इन्होंने सोच लिया था कि आप ही हो जो, क्योंकि यहाँ भी इंट्यूशन का कार्ड आया, स्त्रेंथ का कार्ड आया, तो इनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो, क्योंकि उन्होंने पहले ही समझ लिया कि आप ही हो जिसे वो अपनी अपने लाइफ में लाना चाहते हैं, अपने लाइफ पार्टनर के रूप में अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं, आप ही वो हो जब उन्होंने आपको पहली बार देखा था। क्योंकि यहाँ नथिंगनेस है, यानी ये हैरोफेंट का कार्ड है। तो जब इन्होंने आपको पहली बार देखा तो इन्होंने सोच लिया कि आप इनके काउंटर पार्ट हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप इनकी लाइफ की विश फुलफिलमेंट हो, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो आपसे ही वो शादी करना चाहते हैं, आपसे ही वो फैमिली बनाना चाहते हैं, बच्चे क्रिएट करना चाहते हैं, आपसे ही, आपके साथ ही वो जीवन को जीना चाहते हैं। तो इन्हें पहली थॉट्स ही आपके साथ मैरिज था, आपके साथ एक रोमांटिक डेट पे लेके जाना था, आपको डेट करना था, कि एक रोमांटिक जेस्चर दिखाना था आपको, और एक रोमांटिक डेट पे लेके जाके आपको, आपके साथ एक क्वालिटी टाइम बिताना था इनके माइंड। लेकिन इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो आपको ये बता सके कि वो आपसे प्यार करते हैं। पहली बार जब उन्होंने देखा तो इनके पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो आपसे अपने प्यार का इजहार कर सके। लेकिन कहीं ना कहीं डर भी था, आपको खोने का डर था कि कहीं किसी भी वजह से वो आपको खो ना दे, कहीं वो आपको खो ना दे, इसका भी डर था। तो चलिए चार्म से भी देख लेते हैं। इसीलिए वो स्लो मूविंग वीक चाहते थे, यानी लॉन्ग टाइम कमिटमेंट तो वो आपसे ही करना चाहते थे, लेकिन
स्लो मूवमेंट पे, यानी कहीं ना कहीं अगर वो आपको रोमांटिक डेट पे ले जाने के बारे में कहते और कहीं आप ना कह देते या फिर किसी भी वजह से कुछ प्रॉब्लम उन्हें उनके माइंड में इतनी हिम्मत मतलब उनके माइंड में ऐसे थॉट्स आ रहे थे कि इतना करेज और इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो आपको ये कह सके कि चल एक रोमांटिक डेट पे आपको ले जाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो वो इतनी हिम्मत नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं आपको खोने का भी उन्हें डर था। फिर बाद में उन्होंने डिसीज़न लिया, क्योंकि यहाँ अंडरस्टैंडिंग का कार्ड है और स्लो डाउन एनर्जी है भी है, तो कहीं ना कहीं ये प्लानिंग और स्ट्रैटेजिक बनाकर इन्होंने डिसीज़न लिया कि आपकी तरफ बढ़ना ज़रूर है, लेकिन स्टेप टू स्टेप, यानी कि स्टेप बाय स्टेप बढ़ना है, कोई घाई गड़बड़ी नहीं करनी है, स्टेप बाय स्टेप ही बढ़ के आपको पाना है, तभी आप उनके लाइफ में मिल सकते हो, अदरवाइज़ नहीं मिल सकते। तो वो जब उन्होंने आपको पहली बार देखा तो उन्होंने सोचा आपको प्रपोज़ कर दे शादी के लिए, वो आपको प्रपोज़ कर दे। और जब उन्होंने पहली बार देखा तो उन्हें ऐसा, अगर मेल है, हो सकता है कि इस पर्सन का अगर मेल है तो ये मुस्ताद हो, जब उन्होंने पहली बार देखा आपको तो उन्हें ऐसा लगा कि आप उनके डेस्टाइन पार्टनर हो, गॉड ने आपको ही उनके लिए बनाया है, यानी शी इज़ या ही इज़ माइन, तो उन्होंने ऐसा फेटेड कनेक्शन देखा कि आप उनके लिए ही बने हो। और कहीं ना कहीं ये विंटर सीजन से रिलेटेड हो सकता है, यानी आप ये घटना आपकी विंटर, यानी कि विंटर सीजन में आपकी शादी हुई होगी, या विंटर सीजन में इन्होंने आपको पहली बार देखा होगा, या फिर विंटर सीजन में इन्होंने आपको प्रपोज़ किया होगा, या फिर विंटर सीजन में आपको ये प्रपोज़ करने वाले होंगे। और हो सकता है कि उनके नाम का जो फर्स्ट इनिशियल है वो जे हो सकता है, तो जे हो सकता है, या फिर जे से कोई एक जगह हो सकती है, जैसे जयपुर, और या फिर किसी रहे, मतलब जे कहीं ना कहीं आपके लिए इंडिकेट करती हो। तो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बेल आइकन दबाना ना भूले। आप बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे कि मेरे रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में।